लखनऊ के गोमती नगर में समावेशी परिकल्पना को धरातल पर साकार करने और समाज को एक संदेश देने के उद्देश्य से सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को लेकर वॉकथॉन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में राम मनोहर लोहिया पार्क से समतामूलक चौराहे तक पदयात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में दिव्यांगजन और उनके साथ सहयोगी जन पदयात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 27 विद्यालय और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा लगभग 600 से अधिक व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी है तब से लगातार दिव्यांगजनों के हित और कल्याण में अनेकों फैसले लिए गए हैं। 2017 के पूर्व भरण पोषण की राशि जो मात्र 300 रुपए माहवार होती थी, योगी जी के सीएम बनने के बाद उस राशि को बढ़ा के 1000 रुपए माहवार किया गया। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों की जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए 32 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मोटराइज ट्राइसाइकिल्स का वितरण करके दिव्यांगजनों की यात्रा को आसान किया गया। 10 लाख से ज्यादा हम दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा करने का अवसर भी दे रहे हैं।